जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं एक फिर से नेडू के साथ डेवलप इंडी एक्सप्रेस में। दोस्तों, रेल संबंधी अस्थाई समिति एवं रेल मंत्रालय की ओर से सदस्य सांसद गोपाल जी ठाकुर ने शुक्रवार को मिथिला क्षेत्र से जुड़ी हुई विभिन्न रेल विकास परियोजनाओं एवं यात्री सुविधाओं के लिए समस्तीपुर रेल मंडल की ओर से आयोजित मंडल समिति की बैठक में कई मुद्दों के बारे में चर्चा किए गए और बैठक के दौरान दरभंगा सहित मिथिला में रेल क्षेत्र में हो रहे ऐतिहासिक कार्यों को लेकर के रेल मंत्री और प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया और साथ ही अभी चल रहे विकास कार्यों को लेकर के प्रगति देने की भी बात कही। लहरिया सराय रेलवे स्टेशन पर बन रहे ओवरब्रिज और दरभंगा रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म 6 सहित दूसरी एंट्री गेट का निर्माण जल्द पूरा करने के लिए बात कही गई और उन्होंने प्लेटफॉर्म संख्या 6 पर जल्द से स्लीपर और पटरी बिछाने की भी बात करी है और उन्होंने कहा कि आरएलडीए की टीम दरभंगा रेलवे स्टेशन पर विश्व स्तरीय स्टेशन बनाने के लिए उसकी प्रारूप तैयार कर ली है, उसको जल्द से जल्द पूरा करने की भी बात कही है और साथ ही लंबित सकरी हसनपुर रेल लाइन को पूरा करने के लिए एक उच्च स्तरीय टीम की गठन करने की भी सुझाव दी। दरभंगा से चलने वाली साबरमती एक्सप्रेस में पेंट्री कोच लगाने की बात, सकरी स्टेशन पर कोच इंडिकेटर लगाने की बात और सावन मास में जयनगर से जासीडी के बीच स्पेशल ट्रेन चलाने की बात और लहरिया सराय रेलवे स्टेशन पर सभी ट्रेनों का ठहराव प्रदान करने की भी बात कही। इसके साथ ही अन्य क्षेत्रों के सांसद ने भी कई सारे सवाल किए, समस्तीपुर हसनपुर खगड़िया दोहरीकरण मांग को लेकर के इसकी भी बात की गई, चर्चा की गई और साथ ही बिथान कुशेश्वर स्थान नई रेल लाइन परियोजना और अलौली कुशेश्वर स्थान नई रेल लाइन परियोजना को भी और सबसे बड़ी परियोजना दरभंगा बाईपास इसको लेकर के सबसे बड़ा जो सवाल है वो उठता है और यह जल्द से जल्द पूरा होने की उम्मीद है, जिसको लेकर के रेलवे की ओर से तेज़ गति से काम किए जा रहे हैं, इसको लेकर के भी बातें की गई और इन सभी परियोजनाओं को जल्द से जल्द पूरा करने की भी बात करी गई। तो इतनी सारी बातें और इतनी सारी मांगें उठाई गई है, अब आगे देखना है बातों का चर्चा धरातल पर कब होती है। यदि आप इससे जुड़ी हुई कोई राय पेश करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ये छोटी सी वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं फिर से किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड जय भारत।